जो मैंने होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दिए थे आप लोग उसे हो गए थे क्या? डीपी में सेकंड वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देना एक बार। अच्छा एक बार रुक जाओ मैं देखता हूँ। जो डीपीपी का क्वेश्चन है यस सर। जरूर थोड़ा सा और रुक जाओ बच्चों को आने दो। बच्चों को आने दो थोड़ा सा। बाकी लोगों ने सॉल्व किया है क्या? बाकी लोगों ने सॉल्व किया है? कोई नहीं बताएगा। अच्छा गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बच्चों थोड़ा सा रुक जाओ कुछ टाइम और जाओ आप लोग कुछ टाइम और रुक जाओ आप लोग फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस ठीक है। हाँ ओके सर। कुछ टाइम और रुक जाओ। टाइम और चल अभी एक दो मिनट और रुक जाओ कुछ बच्चों को आने देते हैं ज्वाइन करते हैं फिर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। एक दो मिनट और रुक जाओ। ये बताओ आप लोग को PYQ आप लोग खुद से ट्राई कर रहे हो क्या ये बताना जरा। मैंने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दिए थे क्या वो क्वेश्चंस आप लोग से हुए हैं? बोलो जरा क्या वो क्वेश्चंस आप लोग से हुए हैं क्या या फिर आप लोगों ने ट्राई ही नहीं किया है? आप लोगों ने ट्राई किया है कि नहीं किया ये बताओ पहले। सबसे पहली बात तो ये है यस वैशाली आपने ट्राई किया है होमवर्क की क्वेश्चंस? सर। क्या होमवर्क के क्वेश्चन हुए थे? कसी साहब बताओ क्वेश्चन यस सर। सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे आप लोग से? यस सर। पता है क्या वो तो क्या बोलते हैं कि ग्रुप 13 तो फिनिश हो गया। आज आज कौन सा ग्रुप स्टार्ट होगा? ग्रुप 14 स्टार्ट होगा। और जो नेक्स्ट क्लास होगा ना नेक्स्ट क्लास उसमें जो ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के कुछ क्वेश्चन बचे होंगे ना हम लोग वो सॉल्व करेंगे। समझ गए क्या आप लोग? यस सर। तो आज हम लोग ग्रुप 14 करेंगे। ग्रुप 13 का जितना भी सिलेबस में था ना आपका मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आप लोग PYQ देखोगे ना जो पुराने PYQ होंगे 2024 से पहले उसमें से तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोग से हो नहीं पाएंगे। वो इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि 2024 में सिलेबस चेंज हुआ है यानी कि अब दिसंबर दिसंबर 2023 में सिलेबस चेंज हुआ। इसके पहले सिलेबस बहुत ही ज्यादा था तो अब मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ तो जिसमें से क्या हुआ सिलेबस काफी रिड्यूस हुआ है। तो जो 2024 में क्वेश्चन आए केवल और केवल मैंने उसी को ही लिया है ठीक है क्या? बोलो भाई। सर हाँ केवल और केवल मैंने उसी को टच किया है और जिसकी वजह से क्या हुआ वो काफी आप लोग का PYQ हो जाए काफी क्या जितने भी PYQ मैंने पूरे के पूरे PYQ आप लोग को सॉल्व करा दिए। अब आज हम पढ़ेंगे ग्रुप 14 और ग्रुप 14 के जितने PYQ होंगे उसको हम सॉल्व कराएंगे।
आई होप आप लोग को क्लियर हो गया सब कुछ। यस सर। थोड़ा सा रुकते हैं फिर स्टार्ट किया जाएगा, एक दो मिनट और रुकते हैं फिर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है? तो स्टार्ट ही कर दे क्या हम लोग? चलो ठीक है, आओ स्टार्ट कर देते हैं। अब जो बचा होगा वो आएगा। तो सबसे पहले ये बताओ, जितने भी लोग उत्तराखंड और फीडिंग इंडिया के हैं, क्या उनकी कल टेस्ट की तैयारी हो गई क्या? यस सर। टेस्ट का प्रिपरेशन हो गया क्या आप लोग का? सानू आप बताओ, रौनक, दिया छाबरा, कशिश, भावना, सुरिंदर। पहली बात अच्छे से काफी अच्छे टेस्ट देना, और आप लोग स्क्रीन शॉट शेयर नहीं करते पहली बात सुनो, तो आप लोग अच्छे से टेस्ट देना और स्क्रीन शॉट शेयर करना। ये बताओ क्या मैंने जो सपोर्ट क्लास के लिए जो एक्स्ट्रा क्लास लिया था, क्या आपने उसका पीडीएफ ओपन करके देखा क्या? Yes, sir. उसका पीडीएफ ओपन करके जरूर देख लेना, ठीक है? क्लास से पहले, टेस्ट देने से पहले उसका पीडीएफ ओपन करके जरूर देख लेना आप लोग। क्लियर है मेरी बात? Yes, क्लियर है। तो ये सब चीज आप लोग देख लेना और काफी अच्छे से टेस्ट देना, और आपका सॉल्यूशन का चैप्टर आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, और क्या आएगा, इंटायर 11th का सिलेबस। तो मैं आपको वेटेज बता दे रहा हूँ, जो क्लास 11th का जो सिलेबस है ना उसका 80% आएगा, और जो 12th का जो दो चैप्टर है ना उसका केवल और केवल 20% आएगा। तो सबसे ज्यादा किसका वेटेज है? क्लास 11th का वेटेज है। हाँ, आप लोग कैसे भी करके अच्छा मार्क्स लाना, और देखना आपके में क्या कमियां है वो भी ध्यान देना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एक बार बताओ क्या स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. तो आज हम पढ़ेंगे कि लेक्चर नंबर 2 है कार्बन फैमिली। कौन सा फैमिली पढ़ेंगे? कार्बन फैमिली पढ़ेंगे, ठीक है? क्या कार्बन फैमिली? आई होप आप सबको क्लियर होगा। अगर मैं ध्यान से देखूं ना तो आप लोग को मैं फिर से बताता हूँ कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है। 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछा ही पूछा जाता है, 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछा ही पूछा जाता है। ध्यान से देखो, अब क्या है कि अगर हम इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ लेना तो जितने भी ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं उनके जितने भी PYQ है ना हम इजिली क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जितने भी ग्रुप 14 के PYQ हम इजिली क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? यस सर। उसका इसका सिलेबस मैं बता दे रहा हूँ, सिलेबस ध्यान से देखो। सिलेबस क्या है? ग्रुप 13 टू ग्रुप 14। पहली बात मैं बता दे रहा हूँ, जो ग्रुप 13 और जो ग्रुप 14 है ना यह किस क्लास में आता है? क्लास 11th में आता है। और जो ग्रुप 14 से लेके, सॉरी ग्रुप 15 से लेके और ग्रुप 18 तक कौन सी क्लास में आता था? यह 12th में आता था। लेकिन अगर मैं बात करूं ना तो ये क्या हुआ है, दोनों का दोनों ना सिलेबस से क्या किया है, सीबीएसई ने क्या किया है, हटा दिया है। सीबीएसई ने इसको हटा दिया है, लेकिन जेई ने हटाया है क्या, बताना जरा? जेई ने नहीं हटाया, जेई पूछेगा, तो इसलिए यह आपके चैप्टर में है, ठीक है? जेई में पूछेगा, इसलिए मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ। आओ हम देख लेते हैं प्रीवियस क्लास का रिवीजन, देख लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था। फटाफट जरा इसका आंसर बताना आप लोग, चैट बॉक्स में जरा इसका आंसर बताओ आप लोग। चैट बॉक्स में इसका आंसर जरा आप लोग बताओ। चैट बॉक्स में इसका आंसर बताओ, किसी का हुआ क्या? यस सर। डी ऑप्शन डी, ठीक है? रौनक क्लास में है क्या? रौनक नहीं है, ठीक है? हाँ जी, ठीक है। रौनक आप माइक क्यों नहीं ओपन करते, क्यों नहीं बोलते हो? अब देखो सिंपल सी बात है ना, ये पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मोर अबंडेंट आइसोटोप्स। तो जो हमारे पास बोरान का आइसोटोप्स होता है ना, 5B11 होता है और 5B10 होता है। तो जो 5B10 होता है ना यह बहुत ही कम पाया जाता है, केवल और केवल मैक्सिमम सबसे ज्यादा कितना पाया जाता है, लगभग 90% तक 5B11 पाया जाता है। तो इसका एटॉमिक मास 11 और एटॉमिक नंबर 5, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, एटॉमिक मास माइनस 6, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो कितना आएगा, 11 माइनस 5 कितना जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है 6 हो जाएगा।
अब एक चीज देखो, यह तो हो गया सिक्स। अब यह बोल रहा है कि जो बोरान है ना, बोरान वह ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, बी टू ओ थ्री बनाता है। आपको पता होगा जितने भी यह एलिमेंट है बी टू ओ थ्री बनाते हैं, ठीक है। और जब बी टू ओ थ्री बनाएगा तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, प्लस थ्री, और ऑक्सीडेशन स्टेट को इसने वाई मान लिया है तो एक्स सिक्स प्लस थ्री कितना आएगा, नाइन आ जाएगा। हमारे पास ऑप्शन फोर्थ वाला सही है, ठीक है। तो देखो हमने पढ़ा क्या है और पूछ किस तरीके से रहा है, देख रहे हो क्या है आप लोग, हमने पढ़ा क्या है पूछ किस तरीके से। तो ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं और डायरेक्ट मार्क्स देते हैं, जिसको पता रहेगा वो कर लेगा, जिसको नहीं पता रहेगा वो नहीं कर पाएगा। आई होप सबको क्लियर होगा, किसी को कुछ डाउट बोलो, कोई डाउट क्या, किसी को कोई डाउट। अब सिंपल सी एक बात बताओ, हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, बोल रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, और ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है, अप्रैल वाले सेट का। बोला है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। तो सबसे ज्यादा किसको बोला है, थैलियम को, फिर इंडियम को, फिर गैलियम को, फिर एल्यूमिनियम को, फिर बोरान को, बोरान को सबसे छोटा, उसके बाद एल्यूमिनियम को। क्या यह ऑर्डर सही है, क्या क्या यह ऑर्डर सही है बताओ आप लोग। अरे नहीं सही है, एल्युमिनियम और गैलियम में एक्सचेंज होता है कि नहीं होता है बताना जरा, एल्युमिनियम और गैलियम में एक्सचेंज होता है कि नहीं होता है, अरे बोल दो भाई, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, होता है। तो फिर क्यों नहीं बोल रहे, तो अरे चैट बॉक्स में ना मुझे दिखाई नहीं, पता नहीं चल रहा है, इसके में चेंज होता है, तो यह ऑर्डर गलत है। अब देखो ये बोल रहा है डाउन द ग्रुप 13 इलेक्ट्रो, मतलब डाउन द ग्रुप ऑफ क्या बोलते हैं, ग्रुप 13 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या बात है, सही है क्या ये, बोलो सही है कि गलत है। अरे भाई इसमें सिग्नेचर जैसे होता है ना, सिग्नेचर जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ऐसे होता है ना, पहले वाले की सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम की कम, और फिर धीरे धीरे क्या होने लगता था, बढ़ने लगता था, ऐसे ही होता था ना, ऐसे ही होता था। यह भी हमारा क्या है, गलत है। अब तीसरा ऑप्शन देखो, एल्यूमिनियम डिजॉल्व इन डाइल्यूट HCl एंड लिबरेट H2 बट कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 रेंडर्स एल्यूमिनियम पैसिव बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिंग ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस। क्या बातें सही है क्या, पहली बात एल्यूमिनियम तो HCl से रिएक्शन करके H2 गैस बना लेता है, लेकिन HNO3 से नहीं करता है। वह इसलिए नहीं करता है क्योंकि HNO3 से करने से पहले एल्यूमिनियम जो है ना ऑक्सीजन का एक लेयर बना लेता है सरफेस का, और कौन सा लेयर होता है, Al2O3 का लेयर होता है। क्या बातें सही है या फिर गलत है, सही है, सही है। अब बोल रहा है ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 एक्साइबिट्स हाईली स्टेबल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ग्रुप 13 के एलिमेंट है सबके पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का हाईली स्टेबल स्टेट होता है। क्या सही है क्या गलत है, गलत है। ऊपर वाले प्लस थ्री, ऊपर वाले प्लस थ्री होते हैं, नीचे वाले प्लस वन होता है, सबके पास अलग अलग होता है, ठीक है। तो यह तो गलत हो गया। ई वाला देखो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम इन Al H2O पे 6 और 3 प्लस आयंस, बताना जरा sp3d2 होगा या फिर क्या होगा। यस सर, वो होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारे लिए, बताना जरा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर है क्या बात है, यस सर। इसका जरा बताओ, इसका जरा बताओ, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, पहले बात देखो द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमारे पास गैलियम दे दिया, इंडियम दे दिया और थैलियम दे दिया। अब बोल रहा जो प्लस वन की स्टेबिलिटी है थैलियम की सबसे ज्यादा होगी, फिर इंडियम की, फिर गैलियम की। क्या बात है, सही है कि गलत है, सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती है। रीजन क्या दिया हुआ है, द इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टेबलाइज द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप। क्या बात है, सही है कि गलत है, सही है, बिल्कुल सही है। नीचे आने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है कि नहीं लगता है, और 6H2 वाला क्या हो जाता है, C6H2 वाला ज्यादा स्टेबल होता है। बताओ भाई, क्लियर है क्या बात है सबको, यस सर, क्लियर है। तो यही वाला भी सही होगा, आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। और यह पहली बात एसर्सन का रीजन भी सही है, तो हमारे पास सी वाला ऑप्शन सही है, बोथ एसर्सन एंड रीजन आर ट्रू, और रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्सन। बोलो भाई,
यस सर, डन सर। अब देखो ये एक और है, ये 24 का 31 जनवरी का एक क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि इन ग्रुप 13 ट्राइवेलेंट हैलाइड गेट इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर ड्यू टू कोवेलेंट नेचर। ठीक है, जो ट्राइवेलेंट हैलाइड हैं वो क्या होते हैं इजिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है, और इजिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। अब ध्यान से देखो इसमें क्या दूसरा क्या दिया हुआ है, AlCl3 अपॉन हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म्स ऑक्टाहेड्रल। अब ये बताओ क्या दोनों स्टेटमेंट सही है फिर गलत है? सही है। पहली बात है यह कोवेलेंट नेचर का होता है इसलिए इजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है, और दूसरा क्या है अगर यही पे बेसिक नेचर होता तो क्या बनाता, अरे OH पे 4 बनाता ना, एसिडिक नेचर है इसलिए H2O पे 6 बनाया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 4। क्या बात है, क्लियर है क्या सबको? यस सर क्लियर है। अब हम देख लेते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग पढ़ देते हैं, और पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग क्या पढ़ देते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग ग्रुप 14 पढ़ेंगे, ग्रुप 14 यानी कि कार्बन फैमिली पढ़ेंगे। क्लियर है क्या बात है? आप बताओ इसको कार्बन फैमिली क्यों बोला जाता है? फर्स्ट एटम कार्बन है, फर्स्ट एलिमेंट ही कार्बन है, फर्स्ट एलिमेंट ही क्या है कार्बन है। देखो हमें कार्बन फैमिली में क्या क्या पढ़ना है, पहली बात तो कार्बन फैमिली से इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोडक्शन का क्या मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे। दूसरा देखो ट्रेंड्स इन जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14, तो ग्रुप 14 का जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे, इसके एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट देखेंगे, और एनालोमस बिहेवियर ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन का यूनिक बिहेवियर देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, देखो यहाँ पे जो होता है ना कार्बन होता है सिलिकॉन जर्मेनियम टीन और पलम्बम यानी कि पीबी, और यहाँ पे फ्लेरेबियम होता है, फ्लेरेबियम यानी कि जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस ग्रुप का सबसे ज्यादा अबंडेंट वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, कार्बन है, यानी इस ग्रुप में सबसे ज्यादा जो अर्थ में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, कार्बन। कार्बन क्लियर है क्या बात है, कार्बन पाया जाता है। अब ध्यान से देखो जो कार्बन पाया जाता है ना, जैसे देख लो कार्बन कोयला को भी कार्बन ही बोलते हैं, ग्रेफाइट जो होता है ना ये अभी क्या होता है कार्बन का ही फॉर्म होता है। आप बताओ जो पेंसिल में लगा होता है उसी को ग्रेफाइट बोलते हैं, और जो डायमंड होता है वो अभी क्या होता है, वो अभी कार्बन ही होता है, डायमंड भी क्या होता है कार्बन ही होता है। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब ध्यान से देखो अगला हमारे पास क्या है, अब जो हमारे पास कार्बन फैमिली में जो दूसरा एलिमेंट है ना वो क्या होता है, सिलिकॉन होता है, क्या होता है सिलिकॉन होता है। अब ध्यान से देखो जो सिलिकॉन होता है ना वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाई मास, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है, सिंपल सी बात है, यह भी बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। अब सिलिका आप बालू को देख लो, बालू में भी क्या होगा सिलिकॉन होगा, बालू में भी क्या होगा सिलिकॉन होगा, और यह भी सिलिकेट्स में भी क्या होगा सिलिकॉन होता है। यह तो हो गया सिलिका का। अब बात करते हैं तीसरा जो एलिमेंट होता है जर्मेनियम का, तो जर्मेनियम केवल किस में पाया जाता, ट्रांस एलिमेंट में पाया जाता, बहुत ही कम पाया जाता। ठीक है, और फोर्थ की बात करें टीन, तो टीन मेनली कहाँ पे पाया जाएगा, कैसीटेराइट फॉर्म में पाया जाता है। और आपने नाम सुना है क्या, टीन कहाँ पे पाया जाता है, कैसीटेराइट, और यह टीन किस फॉर्म में पाया जाता है SnO2, और जो लीड होता है लीड पीबी वह किस फॉर्म में पाया जाता है, गैलेना यानी कि PbS। क्या बातें क्लियर है? यस सर हाँ। और जो लास्ट वाला होता है FL फ्लेरोबियम, यह सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी कि हम अपने हाथ से इसको बना सकते हैं। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट, ये सब आप लोग को पढ़ना ही है, ये सबका सब क्या है पढ़ने वाला है, सबका सब आपको पढ़ना है। ठीक है, यस सर ठीक है, आगे देखो अगला देखो। अब हम क्या बातें करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट, जो ग्रुप 14 एलिमेंट है उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। सिंपल सी बात करते हैं, कार्बन की कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होगा जरा बताना, 1s2 2s2 2p2। अब एक बात बताओ, जो हमारे पास पहला सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम ऐसे ही बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का क्या होगा जरा बताना, 1s2 2s2 2p6
3s2 और 3p2। तो इसमें भी जो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे सेल में जरा बताना 4 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो 2 तक होता है, जो 2 तक नोबल गैस होता है वो हीलियम होता है। 10 नोबल गैस कौन सा होता है? नियॉन होता है। तो आप बताओ जस्ट नोबल गैस के बाद सबके आउटर मोस्ट में क्या आ रहा है? क्या चार चार आ रहा है क्या? इसका मतलब जो इसका क्या है, जो हमारे पास है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? NS2 और NP2 आता है। हमने इसको ग्रुप 13 में भी पढ़ा था। ग्रुप 13 में पढ़ा था NS2 और NP1। अब ग्रुप 14 में क्या है? NS2 NP2। डन। आते हैं कार्बन में। कार्बन में कुछ ऐसा है, लास्ट में क्या आएगा? 2s2 2p2। सिलिकॉन में आएगा 3s2 3p2। ऐसे ही जर्मेनियम में क्या आएगा? 4s2 और 4p2। टिन में क्या आएगा? 5s2 और 5p2। ऐसे पीबी में क्या आएगा? 6s2 और 6p2। सिंपल सी बात बताओ, यह जो है ना छठे पीरियड का, किस पीरियड का है? छठे पीरियड का है। और मैंने आपसे बताया था छठे पीरियड में हमारे पास होता है 6s2। तो 6s2 पे क्या इनर्ट पेयर लगेगा क्या, बताना जरा? Yes, sir. अब इनर्ट पेयर लगेगा तो 6s वाला इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलेगा नहीं, केवल और केवल कौन निकलेगा? 6p वाला निकलेगा। तो आप बताओ क्या ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा क्या? Yes, sir. Yes, दिखाएगा sir. और ऊपर वाले 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ऊपर वाले +4 दिखाएंगे। इसका मतलब अगर ऊपर से नीचे आओगे तो जो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। आओ बात कर लेते हैं एटॉमिक साइज की। किसकी बात करते हैं? एटॉमिक साइज की। तो सिंपल सी बात है ना, एटॉमिक साइज में कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता है। ऊपर से नीचे आओगे तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। जैसे देखो यहां से और यहां तक चलते जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। कोई डाउट है किसी को? नो सर, कोई डाउट नहीं है। डायरेक्टली इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब बात कर लेते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी का। आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब होता है जरा बताना? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो सबसे पहली बात है ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? कम होता है। तो देखो ये ऐसे डिक्रीज हो रहा है क्या जरा बताना? लेकिन जो लास्ट दो वाले में होता है ना, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आता है। पीबी और एसएन में चेंजिंग आता है। आप बताओ हमारे पास एसएन है और पीबी है, क्या पीबी में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा? उसका जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से बंध जाएगा, और न्यूक्लियस से बंध जाएगा तो क्या होगा? जल्दी निकलेगा नहीं, और जल्दी निकलेगा नहीं तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाता है? 3 से ज्यादा हो जाता है। ये आपको एक्चुअली में लास्ट में क्या करना पड़ेगा? याद ही करना पड़ेगा ट्रेंड्स। बोलो भाई, डाउट है? नो सर, कोई डाउट नहीं। अब देखो अब बात किसकी कर लेते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। किसकी बात कर लेते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो यह भी किस स्टाइल में होता है? सिग्नेचर स्टाइल में होता है। किस स्टाइल में होता है? सिग्नेचर स्टाइल में होता है। लेकिन इसका जो हमारे पास जो ऊपर जो सबसे पहले जो हमारे पास कार्बन होता है ना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। और कार्बन के बाद जो हमारे पास सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है और टीन होता है। इन तीनों का क्या होता है? बराबर होता है। और फिर बात करें ना, उसके बाद हमारे पास आएगा कौन? पीबी। पीबी का ज्यादा होता है। तो आप बताओ सबसे ज्यादा किसका? कार्बन का। कार्बन के बाद पीबी, और पीबी के बाद ये लगभग तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ जरा एक बार इसमें। नो सर, ये सब आप लोग को क्या करना है? याद ही करना है। सब आप लोग को याद ही करना है। मैं बस आप लोग को एक तरीका बता दे रहा हूँ, सब आप लोग को याद करना है। और एक बार आप लोग ये याद कर लिए ना तो दोबारा जल्दी नहीं भूलने वाला। ये आप लोग एक बार यहाँ पे पढ़ लेना, और फिर क्या करना है, एक बार आप लोग 2-3 बार पढ़ लेना इस बीच, और एग्जाम्स आएंगे उसमें पढ़ लेना। और उसके बाद आपको कहाँ पे डायरेक्टली पढ़ना है? एग्जाम में पढ़ोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। ये जल्दी चैप्टर भूलता ही नहीं है, अगर एक बार किसी को सही से याद हो गया ना, नहीं भूलेगा जल्दी। आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। अब देखो ये, अब बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। किसकी बात कर लेते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो जो ऑल मेंबर ऑफ ग्रुप 14 आर सॉलिड, जो ग्रुप 14 के सभी मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। ग्रुप 14 के सभी मेंबर सॉलिड होते हैं। पहली बात देख लो, जो कार्बन होता है, कार्बन और सिलिकॉन, ये दोनों क्या होता है? नॉन मेटल होता है। कार्बन और सिलिकॉन क्या होता है बताना जरा? नॉन मेटल होता है। जो जर्मेनियम है वो मेटलॉइड होता है। जर्मेनियम क्या होता है? मेटलॉइड होता है। और टीन और पीबी क्या होते हैं? यह दोनों
मेटल होते हैं, टीन और पीबी क्या होते हैं, मेटल होते हैं। बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट से, ऊपर से नीचे आने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है। प्रूफ में ऊपर से नीचे आने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है। लेकिन अगर वही बात करूं किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की, किसकी बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट की, तो ऊपर से नीचे आने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डाउन होगा। लेकिन जो हमारे पास पीबी का बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, एसेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आप लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा ध्यान दे देना। तो सिंपल सी बात मैं फिर से बता रहा हूँ, जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो डाउन होता है, लेकिन पीबी का क्या होगा, एसेंस ज्यादा होगा। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। अब देखो अगला बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कार्बन की। तो जो कार्बन है ना, कार्बन इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ज्यादा होता है। ग्रुप में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और अक्सर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, प्लस फोर होता है। मैक्सिमम टाइम कितना होता है, प्लस फोर होता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में भी जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, प्लस फोर होता है। बात कर लेते हैं सिलिकॉन की, किसकी बात कर लेते हैं, सिलिकॉन की। हायर मेंबर शो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू, यानी कि जो हमारे पास हायर मेंबर जो होते हैं ना, वो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय 4f एंड 5d सबसेल इलेक्ट्रॉन। ये बताओ पुअर शील्डिंग, ये 4f और 5p का नाम क्यों लिया है, जरा बताना, किसी को कुछ पता है? मैं बताऊं, बोलो भाई। यस सर। देखो मान लो कि आपके पास यस सेल है, या आपके पास क्या है, सेल है। ऐसे ही क्या होगा, आपके पास छठा सेल आएगा, बोलना जरा, छठा सेल आएगा, और छठे सेल में आपका 6s2 मिलेगा, और क्या मिलेगा जरा बताना, 6p2। अब ये बताओ अंदर जो होंगे वो 5d होंगे, और क्या होगा, 4f भी होगा अंदर ही, बोलो भाई, 4f और 5d भी होंगे। तो आप बताओ कि जब यह न्यूक्लियस 6s को खींच रहा है, तो आप बताओ क्या यह 5d और 4f वाले धक्का दे पा रहे हैं, क्या नहीं दे पा रहे ना? तो इसीलिए तो बोला जा रहा है ना पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है। 5d और 4f वाले धक्का दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे, इसलिए बोला जा रहा है पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है। तो क्या बोला इसने, ड्यू टू पुअर 5d सबसेल। क्या बातें क्लियर है क्या, बोलो, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं टीन की, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब ऊपर से नीचे आने पे ग्रुप में क्या होता है, जो हमारे पास ऊपर से नीचे आने पे ग्रुप में क्या होता है, जो प्लस टू का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। प्लस टू का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने लगता है। आप बताओ जर्मेनियम है हमारे पास, तो जर्मेनियम तो अभी ऊपर वाला ही ग्रुप है, टीन और पीबी तो है नहीं, तो जर्मेनियम क्या होता है, अभी प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा। तो जर्मेनियम अगर 2+ है ना, तो वह 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के प्लस फोर में जाना चाहेगा। तो आप बताओ जब खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो दूसरों का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। इसलिए यह क्या है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन वही अगर हमारे पास पीबी है, पीबी को आपने प्लस फोर में देख लिया, तो पीबी तो प्लस टू में रहना चाहेगा, तो प्लस फोर से किस में जाना चाहेगा, प्लस टू में जाना चाहेगा। और प्लस टू में जाना चाहेगा तो खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, और खुद को रिड्यूस कर रहा है तो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। और जब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग, बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बातें क्लियर है क्या सबको, कुछ डाउट है किसी को, किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ तक? नो सर, कोई डाउट नहीं। अब देखो अब बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, बात कर लेते हैं। देखो कार्बन कैन नॉट एक्सीड इट्स कोवेलेंसी मोर देन 4। जो कार्बन होते हैं ना, वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द अबसेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन देम। तो क्योंकि इनके में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है। अब देखो हैलाइड्स अंडरगो हाइड्रोलाइसिस एंड हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स।
अब मान लो कि हमारे पास सिलिकॉन का हैलाइड है, हमारे पास जर्मेनियम का हैलाइड है, हमारे पास टीन का हैलाइड है, यह क्या हो जाएंगे, हाइड्रोलाइसिस हो जाते हैं, यानी कि हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं और हाइड्रोलाइसिस करके इसकी जगह पे वाटर आ जाता है और एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। आप बताओ कॉम्प्लेक्स का फिर हमारे पास वो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2 sp3। क्लियर है क्या बात है सबको? किसी को कुछ डाउट है? नो सर। अगला देखो, अगला बोला है कि वाई ट्राइमेथिल एमीन, ट्राइमेथिल एमीन का फोटो क्या है? सबसे पहली बात, सीएसपी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। yes. और हमारे पास अगर नाइट्रोजन पे तीन बॉन्ड लग जाए तो उसको एमीन बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइमेथिल एमीन हो जाएगा। क्लियर है? और ऐसे ही हमारे पास यह एन है और इसके पास तीन एस आई एच थ्री है, क्या है, एस आई एच थ्री है, तो इसको बोलेंगे ट्राइसेलिल एमीन बोलेंगे। एस आई एच थ्री को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइसेलिल एमीन बोलेंगे। अब सिंपल सी बात बताओ, क्या कार्बन में, क्या कार्बन अपनी चार बॉन्ड बना चुका है क्या? yes, sir. बना लिया, इससे ज्यादा तो बनाएगा नहीं। लेकिन सिलिकॉन में देखो, सिलिकॉन में होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। आओ मैं बताता हूँ कैसे वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 और 3d0। क्या इसके पास d वाला भी तो है ना, तीसरे अगर सीरीज में चल रहे हैं तो d वाला खाली पड़ा है और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो अपना इलेक्ट्रॉन d वाले में दे देगा क्या इसके, बोलो भाई। yes, sir. जब d वाले में इलेक्ट्रॉन दे देगा तो आप बताओ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो आप बताओ, पहले वाले में जो हमारे पास नाइट्रोजन है इसमें टोटल तीन सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, टोटल चार, तो चार के लिए क्या होता है, क्या sp3 होता है क्या, बोलो भाई, sp3 होता है ना, sp3 होता है। लेकिन वही अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें तो इसका लोन पेयर तो अब बचा नहीं, वो डबल बॉन्ड में चला गया, तो आप सिंपल सी बात बताओ, इसके पास भी जाएगा, कभी इसके पास भी जाएगा लोन पेयर, कभी इसके पास भी जाएगा, तो आप बताओ क्या इसका लोन पेयर इसके पास रहा क्या? नो सर, नहीं रहा ना। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड, थ्री, तीन, और तीन सिग्मा बॉन्ड पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। क्या सानु समझ आ रही क्या मेरी बातें? यस सर, क्लियर है सबको? sp क्या होगा, sp2 होगा। अब एक बात और सुनो आप लोग, यह तो मैंने बता दिया sp2 होगा, अब आपने एक सुना होगा लेविस बेस, क्या सुना होगा, लेविस बेस। अगर कोई भी अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को डोनेट कर देता है तो क्या बोलेंगे उसको, लेविस बेस बोलेंगे, और जो भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलेंगे, लेविस एसिड बोलेंगे। तो आप बताओ क्या यह हमारे पास NH3 है, क्या यह इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है क्या? यस सर। क्या यह दूसरा कोई आएगा तो उसको दे सकता है? यस सर, बिल्कुल दे सकता है। और जब दे देगा तो आप बताओ यह क्या होगा, बेसिक होगा? यस सर, बेसिक होगा। अब रही बात नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, क्या यह दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नो सर, कहां दे पाएगा, ये तो अपने में ही बिजी है, ये अपने वाले को दे रहा है, दूसरों को कहां दे पाएगा, नहीं समझे? समझ गए क्या? Yes, sir. वह आपस में ही बॉन्ड बना के वो करे, दूसरों को नहीं दे पाएगा, जब दूसरों को नहीं दे पाएगा तो किस बात का बेसिक, बेसिक नहीं है। तो वाई ट्राइमेथिल एमीन इज मोर बेसिक देन ट्राइसेलिल एमीन, तो समझ गए क्या, काहे मोर बेसिक है, क्यों मोर बेसिक है, समझ गए? Yes, sir. अब देखो, आओ कुछ हम रिएक्शंस देख लेते हैं कि रिएक्शंस क्या है। सबसे पहली बात, यह ई जो है ना, ई रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे पूरे कार्बन फैमिली को, पूरे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन फैमिली को। अब सिंपल सी बात है, जो हमारे पास ई है ना, ई ऑक्सीजन से रिएक्शन करके दो टाइप का कंपाउंड बनाता है। पहली बात तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, यानी कि सिंगल ऑक्सीजन, और दूसरा क्या बनाएगा, डबल बनाएगा, ठीक है, एक सिंगल बनाएगा दूसरा डबल बनाएगा। तो जो सिंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे मोनोऑक्साइड, जैसे कार्बन सिंगल बन गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन सिंगल बन गया तो सिलिकॉन मोनोऑक्साइड,
अगर हमारे पास जर्मेनियम सिंगल बन गया तो जर्मेनियम मोनोऑक्साइड, ऐसे ही अगर डबल बना ले तो कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, क्या बातें क्लियर है क्या? और सबसे पहले सिंगल ऑक्सीजन की बात करते हैं, जब भी सिंगल ऑक्सीजन की बात करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड होगा, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड होगा, टिन मोनोऑक्साइड होगा और पीबी मोनोऑक्साइड होगा। ऐसे ही अगर डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा, जर्मेनियम डाइऑक्साइड होगा, टिन डाइऑक्साइड होगा और क्या होगा, पीबी डाइऑक्साइड होगा। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो भाई एक बार जरा बताओ। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से आप लोग देखो, ध्यान से, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये न्यूट्रल इन नेचर होता है, न्यूट्रल होता है, और जो सिलिकॉन का मोनोऑक्साइड होता है, जर्मेनियम का मोनोऑक्साइड होता है, या क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है बताओ जरा? एसिडिक होता है। जो हमारे पास कार्बन का मोनोऑक्साइड होता है वो न्यूट्रल होता है, और सिलिकॉन और जर्मेनियम का मोनोऑक्साइड वो क्या होता है, एसिडिक होता है। क्लियर है? ऐसे ही हमारे पास जो टीन होता है, टीन, टीन और पीबी का मोनोऑक्साइड क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। टीन और पीबी का मोनो, हाँ, एम्फोटेरिक होगा। पहली बात सुनो, कार्बन का मोनोऑक्साइड न्यूट्रल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। टीन और जर्मेनियम का मोनोऑक्साइड एसिडिक, और एसएन और पीबी का मोनोऑक्साइड क्या होगा, न्यूट्रल। क्या बातें क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं ईओ टू की बात करूं तो इसमें हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और जर्मेनियम डाइऑक्साइड है। इन तीनों के जो डाइऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और SNO2 और PbO2 का डाइऑक्साइड क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। क्या होगा, एम्फोटेरिक। पहली बात मैं एम्फोटेरिक का मतलब आपको बता दूं तो जो एम्फोटेरिक होता है ना, वो न ही एसिडिक होता है न ही बेसिडिक, मतलब वह एसिड और बेसिक दोनों के जैसे काम करता है। जब जिसकी जरूरत पड़े कभी एसिड बन गया, और जब जरूरत पड़े बेस बन गया। क्लियर है क्या? yes, मेरी बात sir. ठीक है। अब देखो, अब बात कर लेते हैं रिएक्शन विद हैलोजन, या हैलोजन के साथ कैसे रिएक्शन करता है। आप लोग बताओगे क्या हैलोजन का क्या मतलब होता है? FClBr-I। बिल्कुल यार, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्लियर है क्या? दिया, मेरी आवाज आ रही है? दिया छाबरा, यस सर। आप लेफ्ट क्यों हुए थे सर? वो कोई नेटवर्क इशू था, तो इसलिए वो क्लास कट कर दी थी। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहली बात है, जो हमारे पास कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट होते हैं ना, वह हैलोजन से रिएक्शन करके दो टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। एक तो डाई हैलाइड बनाते हैं और एक टेट्रा हैलाइड। डाई हैलाइड का क्या मतलब है, दो हैलोजन, और टेट्रा हैलाइड का क्या मतलब है, चार हैलोजन। पहली बात है, जो डाई हैलाइड है ना, वो कार्बन नहीं बनाता है। डाई हैलाइड क्या है, कार्बन नहीं बनाता है। और जो टेट्रा हैलाइड है वो PbBr4 नहीं बनता है, और PbPbI4 नहीं बनता है। बोलो भाई ये क्लियर है कि नहीं? ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात देख लो कि हमारे पास जो EX4, यानी कि मान लो कि CCl4 हो गया, Ci4 हो गया, CF4 हो गया, ये किस नेचर का होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, बोलो भाई किस नेचर का होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है। लेकिन वही अगर बात कर लूं SnF4, किसकी बात कर लूं, टीन F4, और किसकी बात कर लूं, PbF4, किसकी बात कर लूं, PbF4, यह दोनों के दोनों क्या होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। यह जो दोनों होते हैं ना, यह कोवेलेंट नेचर के नहीं होते, किस नेचर के होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, आयनिक नेचर होते हैं। कोई डाउट है क्या? अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात देखो, इसका जो EX4 होता है ना, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, और इसको क्या बोलते हैं लोग, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। एक चीज और देख लो, बोला है द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहेलाइड डिक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी जो टेट्राहेलाइड है वो क्या होता है, नीचे जाने पे ग्रुप में वीक होने लगता है। तो आप बताओ हमारे पास ग्रुप में कौन कौन से होते हैं, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है, और क्या है, पीबी है। तो अगर मैं CX4 की बात कर लूं, SiX4 की बात कर लूं, जर्मेनियम X4 की बात कर लूं, टीन X4 की बात कर लूं, और PbX4 की बात कर लूं, तो मैंने बोला ग्रुप में नीचे जाने से उसका
थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, कम होता है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, कार्बन का, फिर सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम का, फिर टीन का, फिर पीबी का। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। बोलो। लेकिन मान लो अगर सेम ग्रुप हो, मान लो अगर सेम ग्रुप हो और मैंने हैलोजन को ही चेंज करते गए, अगर ग्रुप सेम और हैलोजन को ही सेम करते गए, तो मैं पहली बात, पहला में फ्लोरीन आया, दूसरा में क्लोरीन आया, तीसरा में ब्रोमीन आया और चौथा में आयोडीन आया, तो यह भी सेम होगा। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, इसका कम होता जाएगा। क्या बातें क्लियर है? क्लियर है। अब देखो, अब बोला है स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। आप बताओ, जो हमारे पास डाई हैलाइड की स्टेबिलिटी है वह नीचे जाने पे कम क्यों होती है, जरा बताना, ज्यादा क्यों होती है, ये बताओ, ज्यादा क्यों होती है? अरे भाई, ग्रुप में आप नीचे आओगे तो प्लस टू की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बोलो जरा। यस सर। प्लस टू की ऑक्सीडेशन स्टेट आप इस वाले ग्रुप में नीचे आओगे तो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जब बढ़ेगी तो प्लस टू वाले ज्यादा पाए जाएंगे ना, तो पीबीएच टू ज्यादा स्टेबल होगा। और ये बताओ, इसमें सिलिकॉन से क्यों स्टार्ट किया है, कार्बन से क्यों नहीं स्टार्ट किया है? क्योंकि कार्बन के डायहैलाइड बनते नहीं है। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। इसी का मेरी आवाज आ रही है क्या? क्या जितने भी उत्तराखंड के हो, क्या फीडिंग इंडिया यानी ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम के जितने भी हो, क्या कल के टेस्ट की प्रिपरेशन हो गई है कि नहीं हुई है, हुआ है कि नहीं हुआ है? मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक सपोर्ट क्लास लिया था, आप ज्यादातर लोगों ने क्लास अटेंड नहीं किया था, लेकिन उसका जो पीडीएफ है ना वो ग्रुप में पड़ा हुआ है, उसका पीडीएफ कहाँ पड़ा हुआ है, ग्रुप में पड़ा हुआ है, वो आप लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है? उसका जो पीडीएफ है ग्रुप में पड़ा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना उसको, और बिना पढ़े मत जाना पहली बार, ठीक है? अब आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। अब देखो, अब बात कर लेते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड। जो भी हमारे पास हैलाइड है ना, उसका हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है, सिंपल सी बात। देखो, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास सिलिकॉन टेट्राहैलाइड कुछ ऐसे सिलिकॉन है और CCl4 है कुछ ऐसे है। तो सबसे पहली बात, CCl4 का कुछ ऐसे फोटो होता है, ध्यान से देखो कैसे होता है, SiCl4 का फोटो कुछ ऐसे होता है, क्लोरीन क्लोरीन H2 आएगा। अब बताओ, H2O के पास क्या लोन पेयर है, क्या बताना जरा, लोन पेयर है। अब ये क्या करता है, और इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, मैंने ये भी बताया। अब इसके क्या करता है कि इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। और आप बताओ, जब इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो आप बताओ क्या इससे बॉन्ड बनाने लगेगा, क्या ये बॉन्ड बनाने लगेगा, लगेगा। और yes, पता है क्या, जब इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल से इसका अट्रैक्शन होने लगता है ना, तो इसका जो एच है और इसका जो सी एल है, आपस में क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, कुछ ऐसे हो जाता है। ध्यान से देखो, यह ओ एच हो जाएगा और यहाँ पे सी एल होगा, यहाँ पे सी एल और यहाँ पे सी एल, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच सी एल हो जाएगा। बोलो भाई, किसी को कुछ डाउट है यहां तक, किसी को कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं। आप बताओ, ऐसे तो इसके पास चार क्लोरीन है ना, चार क्लोरीन है, और चार पानी आके चारों क्लोरीन को क्या कर देंगे, ऐसे ही बाहर निकाल देंगे, तो आप इसके पास चार ओएच आ जाएगा ना, चार ओएच आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ये सभी क्लोरीन है, एक एक क्लोरीन को धीरे धीरे सब बाहर निकालते हैं, एक एक क्लोरीन को धीरे धीरे सबके सब क्या होते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, और सबके सब क्या हो जाते हैं, OH जुड़ जाता है। क्लियर है क्या मेरी बात है? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिसिस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सिलिसिस एसिड। बोलो भाई, सिलिसिस एसिड, कुछ कुछ डाउट है? नो सर। क्लियर है बातें सबकी? यस सर। क्लियर है। अब देखो, रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या होता है, सबसे पहली बात सुनो, वाटर दो तरीके से रिएक्शन करता है, एक तो ठंडे पानी से रिएक्शन करता है और एक गर्म पानी से, हॉट वाटर से, ठीक है? तो पहली बात सुन लो, जो हमारे पास कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, इसको ठंडे पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठंडे पानी से रिएक्शन करेगा ही नहीं। कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम ठंडे पानी से रिएक्शन करेगा क्या, नहीं करेगा। ऑन रेड हीटिंग,
दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट लीड डिकम्पोज स्टील। सिंपल सी बात है कि अगर मान लो बस पीबी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के सभी क्या होते हैं, गर्म पानी से रिएक्शन कर लेते हैं। आप बताओ क्या कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेंगे सब? क्या? नो सर, नहीं करेंगे। लेकिन हॉट वाटर से रिएक्शन कर लेंगे। और केवल कौन रिएक्शन नहीं करेगा? पीबी रिएक्शन नहीं करेगा। तो देखो कार्बन जो होता है ना, H2O से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और H2 गैस रिएक्शन रिलीज करता है। ऐसे ही सिलिकॉन H2O से रिएक्शन करके क्या बनाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाता है और H2 गैस रिलीज करता है। ऐसे ही टीन जो है इससे रिएक्शन करके टीन O2 बनाता है और H2 गैस रिलीज करता है। अब सुनो, जो लीड होता है ना पीबी, अनअफेक्टेड बाई वाटर, वाटर से उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन ऑक्साइड लेयर बना लेता है। यह भी किसके जैसे होता है? एल्यूमिनियम जैसे होता है। यह भी अपने ऊपर क्या बना लेगा? प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन ऑक्साइड लेयर बना लेगा, जिसकी वजह से वो वाटर से रिएक्शन नहीं करता। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्या जितना मर्जी हॉट वाटर हो, हाँ जितना मर्जी उसको जितना जरूरत होगा उतना ही लेगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास जो SiF6 होता है ना, यह पाया जाता है लेकिन SiCl6 2- नहीं पाया जाता है। अब पूछ रहा है कि क्यों यह पाया जाता है और क्यों यह नहीं पाया जाता है, रीजन बताओ। तो सिंपल सी बात देख लो, हमारे पास सिलिकॉन है और फ्लोरीन कितना है जरा बताना? फ्लोरीन कितना है? फ्लोरीन कितना है? 6 है। तो आप बताओ यह हो गया फ्लोरीन, और फिर यहाँ पे सिलिकॉन है और क्लोरीन कितना है? 6 यह भी है। आप बताओ क्लोरीन की साइज बड़ा या फिर क्लोरीन की साइज बड़ा? क्लोरीन। किसका? क्लोरीन का साइज बड़ा। तो क्लोरीन छोटा साइज का है तो आसानी से क्या कर लेता है? एडजस्ट कर लेता है। लेकिन क्लोरीन बड़े साइज का होता है। क्या होता है? बड़े साइज का होता है। आप बताओ रिपल्सन करेगा कि नहीं करेगा, इतना बड़ा बड़ा साइज का है? यस सर, करेगा। तो आप बताओ क्या यह पॉसिबल है? क्या नहीं है? अब ये बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला ऑप्शन सही है। इस हिसाब से बताओ क्या SiI6 बनेगा? क्या बताओ जरा, बनेगा क्या? नहीं बनेगा, यह भी बड़े साइज का है। ये देखो इसका आंसर दिया हुआ, ठीक है, इसका आंसर दिया हुआ, आप लोग कर लोगे एक बार जरा पढ़ो। डन सर। हो गया, ठीक है। यस सर। अब लास्ट टॉपिक बचा एनालोमस बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन के कुछ अलग वाले बिहेवियर, उसको हम लोग भी देख लेते हैं क्या होगा। देखो इसकी बात, पहली बात, कार्बन तो साइज में छोटा होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और इसमें डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है। ये तो तीनों चीजें आप लोग पढ़ लो। अब आओ कैटेनेशन क्या होता है। कैटेनेशन तो सिंपल सी बात है, कार्बन जो होता है ना, कार्बन यह दूसरे कार्बन से बहुत ही जल्दी जुड़ता है, बहुत ही जल्दी जुड़ता है। यह अपना चैन बनाते जाता है, बहुत ही लंबा चैन क्या होता है, बनाते जाता है। और लंबे चैन होने की वजह से इसके बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को कैटेनेशन बोलते हैं। तो ये वाली क्वालिटी ना इसके में बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। कैटेनेशन वाली क्वालिटी इसके में क्या होती है? बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। तो और ये कैटेनेशन वाली क्वालिटी की वजह से इसके बहुत सारे कंपाउंड है, क्योंकि आपस में क्या होते हैं, जुड़ते जाते हैं। और जैसे ही ग्रुप में नीचे आओगे, ये कैटेनेशन वाली प्रॉपर्टी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो आप बताओ सबसे ज्यादा कैटेनेशन किसका? कार्बन। कार्बन का तो सबसे ज्यादा जुड़ेगा कौन, सबसे ज्यादा कंपाउंड कौन बनाएगा? कार्बन बनाएगा। पहली बात है, डाउन द ग्रुप कैटेनेशन कम होते जाता है। और पहली बात, जो लीड होता है ना पीबी, यह कैटेनेशन सो ही नहीं करता। क्लियर है क्या बात है? अगला देखते हैं। अब देखो लिखा है फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। अब ध्यान से सुन लो, यह हमारे पास है कार्बन और यह भी हमारे पास क्या है? कार्बन है, ठीक है, कार्बन है। अब ये बताओ
अब ये बताओ, मान लो कि कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। और जो दूसरा बॉन्ड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड है। तो आप बताओ, हमारे पास कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखे तो 1s2, 2s2 और 2p2, तो इसके p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर दूसरे वाले कार्बन की बात करें तो उसमें भी 2p2 आएगा, इसके में भी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सिंपल सी बात है ना, पहला जो बॉन्ड बनता है वो तो सिग्मा बनता है, लेकिन दूसरा वाला क्या बनता है? पाई बनता है। आप बताओ, क्या इसका भी जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है और इसका भी पाई इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिलके ही तो पाई बॉन्ड बनाया है ना? यस सर। हाँ, तो इसका जो हमारे पास पी पाई है और इसके पी पाई से मैच किया है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पी पाई बॉन्ड। क्या बोलेंगे? पी पाई बॉन्ड। अगर मान लो कार्बन होता, मान लो नाइट्रोजन होता और सिलिकॉन होता, नाइट्रोजन होता सिलिकॉन होता, तो नाइट्रोजन के पास तो डी ऑर्बिटल होता नहीं है, इसके पास पी ऑर्बिटल ही होता है, पी वाले में ही लोन पेयर होता है, लेकिन सिलिकॉन के पास क्या होता है? डी होता है। तो आप बताओ, अगर ये डबल बॉन्ड बनाए तो क्या बोलेंगे? डी पाई बोलेंगे। नहीं समझ आया क्या? नहीं क्लियर हुआ? अब ये बताओ कि हमारे पास कार्बन कार्बन है, क्या दोनों के दोनों 2p वाले हैं क्या? Yes. तो मैं इसको क्या बोलूंगा? 2p पाई, 2p पाई बॉन्ड। बोल सकता हूँ? Yes. बोल सकता हूँ। लेकिन अगर हमारे पास नाइट्रोजन और सिलिकॉन है, तो नाइट्रोजन में 2p पाई है और सिलिकॉन में 3d वाला कौन सा आता है? 3d पाई। तो क्या बोलेंगे? 2p पाई, 3d पाई बॉन्ड। बोलो भाई, क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। लेकिन 4d नहीं होता है, 2p से 4d नहीं होता है, 2p से 5d नहीं होता। आप बताओ, छोटे लोग बड़े लोग से बॉन्ड बना पाएंगे? बड़े ऑर्बिटल से नहीं बना पाएंगे, केवल और केवल अपने साइज से बनाएंगे और अपने से थोड़ा सा बड़े साइज से, उससे ऊपर नहीं बनाएंगे। अब देखो क्या बोल रहा है, हैवियर एलिमेंट डू नॉट फॉर्म p pi बॉन्ड Because their atomic orbitals are too large and diffuse. इनके atomic orbital बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और खत्म हो जाते हैं, तो p pi नहीं बनाते हैं। आओ और भी anomalous behavior देखते हैं, इसके anomalous behavior क्या क्या है। तो बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस वाइल अदर डाइऑक्साइड आर सॉलिड। जो कार्बन का डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है? गैस। गैस होता है, और बाकी सबके डाइऑक्साइड क्या होते हैं? सॉलिड्स। सॉलिड होते हैं। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। अब देखो, मोनोऑक्साइड ऑफ कार्बन इज क्वाइट स्टेबल एंड न्यूट्रल। जो कार्बन का मोनोऑक्साइड होता है बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है और क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है। देखो, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। और मैंने आपसे बोला था, अगर हमारे पास EX4 है, यह हाइड्रोलाइज होके क्या बना देगा? EOH4 बना देगा। क्या मैंने बताया था कि नहीं, सिलिकॉन वाले एग्जांपल में बताया था। लेकिन अगर कार्बन का टेट्राक्लोराइड है ना, कार्बन का टेट्राक्लोराइड, यह हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। क्लियर है क्या बात है? ये आप लोग ना याद कर लो थोड़ा बहुत कुछ चीजें। कार्बन का जो टेट्राक्लोराइड होगा वो क्या होगा? हाइड्रोलाइज नहीं होगा। डन मेरी बात है? डन सर। अब देखो ये पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो, बॉन्ड एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? जिसका साइज छोटा होगा। आप बताओ, छोटे लकड़ी को तोड़ना ज्यादा इजी या फिर बड़े लकड़ी को तोड़ना? छोटी। अरे भाई, छोटे का आप इतना छोटा ले लो इसको तोड़ के दिखाओ, और इतना बड़ा ले लो इसको तोड़ के दिखाओ, कौन जल्दी टूटेगा? बड़े वाला। बड़ा वाला जल्दी टूटेगा, छोटा वाला टाइम लेगा। तो आप बताओ, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी? छोटे वाले की। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है क्या मेरी बात है? यस सर। ठीक है, क्या बोल रहा है? ड्यू टू स्मॉलर बॉन्ड लेंथ CC बॉन्ड द बॉन्ड एनर्जी इज हायर। ठीक है, अब समरी देख ले। क्या समरी? समरी में क्या है? आओ समरी में देख लेते हैं। सबसे पहली बात बोल रहा है,
एटॉमिक साइज की, क्या एटॉमिक साइज में कोई एक्सेप्शन था क्या? नहीं था, नहीं था। बात कर लेते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी की। आयोनाइजेशन इंथैल्पी में क्या होता था, सबसे ज्यादा कार्बन का, फिर सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम का, चेंजिंग किसमें आती थी, ईबी और एसएन में। और रीजन क्या दिया था मैंने, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने बोला था सिग्नेचर, और सिग्नेचर में भी क्या होता है, पहला वाला ज्यादा, दूसरा वाला कम, और तीसरा चौथा क्या है, लगभग बराबर है, और फिर से लास्ट वाला क्या होगा, बढ़ जाता था। बोलो भाई, क्लियर है क्या? यस सर। कुछ ऐसे ही बताया था ना मैंने? यस ऐसे ही बताया था। अब बात कर लेते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड की। कुछ ऑक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं। दो टाइप के ऑक्साइड बनेंगे, एक मोनोऑक्साइड बनेगा और एक डाइऑक्साइड बनेगा। मोनोऑक्साइड की बात कर लेते हैं। जो कार्बन का मोनोऑक्साइड होगा वो न्यूट्रल होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम का मोनोऑक्साइड एसिडिक होगा, और टीन और पीबी का मोनोऑक्साइड क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। ऐसे ही डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन तीनों का डाइऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक होगा। और हमारे पास टीन और पीबी का डाइऑक्साइड क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। और कुछ इसकी बात कर लेते हैं ग्रुप 14 का, हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। पहली बात सुन लो, अगर मान लो ग्रुप 14 एलिमेंट का है, अगर स्टीम के साथ रिएक्शन किया, स्टीम के साथ बताओ जरा क्या होता है, स्टीम वेपर्स, गरम पानी, ठीक है। आप बताओ क्या ठंडे पानी से रिएक्शन करेगा क्या? नो सर, नहीं करेगा। और जब गर्म पानी से रिएक्शन कराओगे तो हमारे पास आएगा मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और H2O, ठीक है। आओ देखते हैं NaOH से रिएक्शन कराने पे क्या होता है। NaOH से मान लो कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, मान लो कि हमारे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन का मैंने NaOH से रिएक्शन कराया, क्या बना है जरा बताओ, बताओ क्या बना है, Na2 सिलिकॉन O3, और क्या निकलेगा, H2 निकलेगा, क्लियर है क्या। अगर जर्मेनियम से कराएंगे तो सिलिकॉन की जगह क्या लिखेंगे, जर्मेनियम लिखेंगे, ठीक है। आओ इसी ग्रुप 14 एलिमेंट का हम लोग HCl से रिएक्शन कराते हैं, किससे कराते हैं, HCl से। जब HCl से कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, पहली बात तो डाई हैलाइड बनेगा, और डाई हैलाइड बनेगा और क्या बनेगा, H2 बनेगा। आप बताओ क्या कार्बन डाई हैलाइड बनाता है क्या, नहीं बनाता है। और इसमें सिलिकॉन भी नहीं बनाएगा, इस वाले केस में सिलिकॉन भी नहीं बनाएगा, क्लियर है। आओ H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, किससे रिएक्शन कराते हैं, H2SO4 से। तो H2SO4 से रिएक्शन कराओगे ना तो पहली बात ESO4 बनेगा और क्या बनेगा, H2 बनेगा। जैसे कि मान लो कि हमने जर्मेनियम से रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा, GESO4 बन जाएगा और H2 बन जाएगा। इस केस में भी कार्बन और सिलिकॉन रिएक्शन नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं हैलोजन की। तो हैलोजन का जो रिएक्शन होता है क्या बनता है, दो टाइप का बनता है, एक तो डाई हैलाइड बनता है और एक टेट्रा हैलाइड बनता है। आप बताओ क्या कार्बन वाला डाई हैलाइड बनाएगा क्या, नो सर, नहीं। क्या PbBrO4, क्या PbBr4 पॉसिबल है क्या, नो सर, नहीं। तो ये सब चीजें ना आप लोग को याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्या करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, और कम से कम आप लोग एक दो बार इस PDF को पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। कम से कम आपको क्या करना है, दो तीन बार इस PDF को पढ़ना है, तब जाके क्या होगा, यह याद होगा। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बोल सकता है। नो सर, कोई डाउट नहीं है, नो सर। क्या बोलो भाई, डिस्कस कर लें, सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा आप लोगों से, सबके सब PYQ है, आप लोग से हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बातें करते हैं, देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यह ना 24 का फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का है। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम O2, SiO2 एंड GeO2 आर एसिडिक, वाइल SnO2, SnO और PbO आर एम्फोटेरिक। क्या बातें सही है कि गलत है,
सही है। यस सर। देखो मैंने आपको एक चार्ट बताया था, चार्ट में क्या था ध्यान से देखो। अगर मान लो कार्बन का मोनोऑक्साइड है, सिलिकॉन का मोनोऑक्साइड है, और क्या है, जर्मेनियम का मोनोऑक्साइड है, और SN का मोनोऑक्साइड है, और Pb का मोनोऑक्साइड है, ठीक है। तो यह वाला तो न्यूट्रल होगा, और यह दोनों क्या होगा, एसिडिक, एसिडिक और यह दोनों एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक। आते हैं डाइऑक्साइड में, आते हैं CO, SiO2, GeO2, SnO2 और PbO2। तो ध्यान से देखो, यह तीनों के तीनों क्या होते एसिडिक एसिडिक, और यह दोनों क्या होते थे, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। तो आप बताओ हमारे पास, आप बताओ, यह तो दोनों एसिडिक हो गया और यह क्या हो गया, एम्फोटेरिक हो गया। इसका मतलब पहला तो हमारा सही बोल रहा है। दूसरा देखो, ऑल एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन आर ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इन द लाइट ऑफ इन द पी पाई डी पाई फॉर्मेशन। जरा परमिशन। बताओ क्या यह सही है क्या। यस सर। क्लियर बताओ आप लोग, एक बार बोलो क्या सही है क्या। यस सर। नो सर, मुझे गलत क्या क्या गलत है इसमें, क्या गलत है है इसमें। डी पाई, वाह डी पाई गलत है। बिल्कुल यार, डी पाई गलत है। पी सर, बट पाई डी कैटिनेशन तो सही होगा ना। बट क्या, कैटेनेशन तक सही कैटिनेशन होगा, लेकिन पी पाई डी पाई नहीं। अरे ये दोनों, अब ये बताओ, स्टेटमेंट दो में दो चीजें बोला है, तो अगर कोई एक चीज गलत होगा तो हम पूरा गलत मानेंगे ना। ओके सर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। गलत कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ओके थर्ड 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 वाला सही होगा ना यार, थर्ड वाला होगा। ठीक है, इसमें जरा देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, दो चीज एसर्शन रीजन का दिया हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरान इतना इज अनयूजुअली हाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट। बताओ जरा ये सही है कि गलत है। सर सही है। क्या सही सही है, है। पहली बात मैंने बोला था जो बोरान का मेल्टिंग पॉइंट है अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होता है, और मैंने बोला था ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये मैंने बोरान वाले में चला गया क्या। सॉलिड बोरान हैज वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलिन लैटिस, क्या ये भी बातें सही है क्या। यस क्या सही है, तो मैंने ये आपको दो से दो ही दो, 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 दोनों बातें बताई थी। मैंने ये बोला था जो बोरान होता है अपने ग्रुप में वो नॉन मेटल होता है, बाकी सब मेटल होते हैं, लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें ना, तो वो सबसे हाई होता है अपने ग्रुप में, और यह नॉन मेटल होने के साथ साथ सॉलिड होता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। क्लियर है बातें, तो आप यस बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 1। ऑप्शन टू, यह अच्छा बहुत ही स्ट्रांग सॉलिड होने की वजह से पता है क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है। आप बताओ, स्ट्रॉन्ग सॉलिड नहीं होता तो क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता क्या। तो नो इसलिए यह वाला सही है। ठीक है, अब देखो ये आप लोगों का थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरी तरह से बता दूंगा। ठीक है, ये आप लोग को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरी पूरी तरह से बता दूंगा। यह पूछ रहा है कि जो एल्यूमिनियम है ना, वह किससे मैच करेगा चारों से, मतलब किसका गलत है, मैं नेक्स्ट क्लास में पूरी तरह से बता दूंगा। अब देखो ये पूछ रहा है, कंसीडर द ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट SiO2, GeO2, SnO2, PbO2, CO, GeO। द एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर, बताओ भाई कौन कौन सा एम्फोटेरिक है। ऐसा नहीं तो कुछ होता। ऑप्शन क्या, थर्ड। ऑप्शन थर्ड। पहली बात तो SnO2 तो पक्का है, और क्या है, नो PbO2 है। क्या GeO2 है क्या, सर। यह एसिडिक है। यस सर। क्या CO है क्या, CO क्या चीज है, न्यूट्रल न्यूट्रल है। SiO2 क्या है, एसिडिक। एसिडिक है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। थर्ड। क्लियर है बातें। यस सर। यस सर।
इसका मतलब आप लोग से क्वेश्चंस हो जा रहे हैं? यस सर। इसका जरा बताओ आप लोग, इसका जरा आप लोग बताओ। कितने ऐसे हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर वाले हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद तो रिड्यूस होंगे, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देंगे। खुद तो रिड्यूस होंगे, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर क्या? फिर तीन। देखो पहली बार सुन लो, इसमें क्या क्या है। सबसे पहले मैं इसकी बारे में बात कर लेता हूँ, बोरान वाले के बारे में बात कर लेता हूँ। हमारे पास क्या है बोरान वाले में, देखो ब अल द इन टल। उसके बाद कहता है कार्बन वाले में अ सी के सन पब। आप बताओ ऊपर वाला प्लस थ्री होगा और नीचे वाला क्या होगा? प्लस वन होगा। यहाँ पे प्लस फोर होगा और यहाँ पे प्लस टू होगा। क्या कुछ ऐसे होगा क्या? अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि खुद को रिड्यूस करना, दूसरों को ऑक्सीडाइज करना। तो आप बताओ कि यहाँ पे अगर थैलियम की बात करें ना, तो थैलियम प्लस थ्री में है, और यहाँ पे पीबी की बात करूं तो पीबी भी क्या है? प्लस फोर में है। देखो पीबी प्लस टू में भी है और पीबी प्लस फोर में भी है। ऐसे ही सॉरी थैलियम जो है प्लस वन में है और पीबी प्लस टू में। ये दोनों क्या, ये चारों के चारों ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्या? बताओ जरा। पीबी प्लस फोर में भी है, पीबी प्लस टू में भी है, टीआई प्लस वन में भी है, टीआई प्लस थ्री में भी है। अब ध्यान से देखो एसएन प्लस टू दिया हुआ और एसएन प्लस फोर दिया हुआ, कुछ ऐसे दिया हुआ है। क्या बताओ इतनी सारी चीजें दी हुई हैं, बोलो जरा। अब जरा सोच के बताओ, अब जरा सोच के बताओ क्या आंसर होगा, सोच के बताओ क्या आंसर होगा। ये बताओ आप ऊपर से नीचे, ये बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब खुद रिड्यूस होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो मैंने क्या बोला, जो ऊपर से नीचे आने पे ना प्लस वन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है और इसमें प्लस फोर प्लस टू की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, बढ़ जाती है। और जो हमारे पास पीबी है और टीएच है, यह प्लस वन में रहना चाहते हैं, प्लस थ्री में नहीं रहना चाहते हैं, यह प्लस टू में रहना चाहता है, प्लस फोर में नहीं रहना चाहता है। तो आप बताओ प्लस थ्री वाला क्या प्लस वन में जाना चाहेगा क्या? बताना जरा। जब प्लस वन में जाना चाहेगा तो आप बताओ खुद को रिड्यूस कर रहा है तो दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। ऐसे ही पीबी फोर जो है, पीबी फोर प्लस है या प्लस टू में जाना चाहेगा तो खुद को रिड्यूस कर रहा है तो दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो आप बताओ, मुझे तो केवल दो ही दिख रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर के, और कोई नहीं दिख रहा। क्या बातें समझ आई आप लोग को? यस सर। क्लियर है? क्लियर है। यस जरा ये बता दो आप, ये आप लोग बता दो। सबसे पहली बात बताओ, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ जरा। देखो इसमें पहला देखो, कोवेलेंट रेडियस डिक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू पीबी इन रेगुलर मैनर। क्या बातें सही है कि गलत है? सही है। क्या बातें सही है कि गलत है? क्या सही है? रेडियस ये बोला डिक्रीज डाउन द ग्रुप, डिक्रीज हो रहा है रेडियस। अरे भाई ऊपर से नीचे आने पर रेडियस बढ़ता है कि कम होता है? सर है। क्या बढ़ता है? यह वाला ऑप्शन गलत ही है। अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम कार्बन टू पीवी डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? कम होता है। क्या सही है कि गलत है? गलत है सर। गलत है। सिग्नेचर, सिग्नेचर आपने देखा है ना? यस सर। बोलो भाई, ऐसे ही होता है। तो पहले वाले का सबसे ज्यादा, फिर दूसरे वाले का कम, फिर ऐसे बढ़ते जाता है। बोलो भाई, ऐसे होता है कि नहीं होता है?
होता है, यह भी आपका गलत है। तीसरा देख लो, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, तो कार्बन का तो मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होता ही है। यस सर। वेयर एज अदर एलिमेंट कैन एक्सपेंड देयर कोवेलेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्या बात है सही है कि गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। कार्बन के पास केवल 4 ही कोवेलेंस होते हैं क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल होता नहीं है, लेकिन बाकी सबके पास डी ऑर्बिटल होते हैं तो वो अपना कोवेलेंसी बढ़ा लेते हैं, तो कभी टेट्राहेड्रल बना लेते हैं, कभी ऑक्टाहेड्रल बना लेते हैं, उनकी मर्जी होती है। ठीक है, यह वाला तो सही है। हैवियर एलिमेंट डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड, बोलो बातें सही है कि नहीं? यस सर। सही है, क्योंकि हैवियर एलिमेंट होंगे तो बड़े बड़े होंगे, वो कहां से बॉन्डिंग कर पाएंगे, सही से नहीं कर पाएंगे। अब देखो ये वाला देखो, कार्बन कैन एक्साइबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, बताओ ये बात सही है? बिल्कुल सही है। कार्बन जो होता है +4 से लेके -4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन भी बोलते हैं और कार्बेनायन भी बोलते हैं। तो इसके पास प्लस और माइनस दोनों चार्ज होता है। आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, किसी को कुछ डाउट है? नो सर, कोई डाउट नहीं है। अब एक लास्ट हो सकता है, अरे ये तो मैंने कराया यार, तो ये बताओ यहाँ तक किसी को कुछ किसी भी प्रकार का दिक्कत आया, किसी भी टाइप का? नो सर। आप लोगों को क्या देख के लग रहा है, ये सब 2024 का क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आए थे ना मैंने सब के सब दिए हैं, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं कि हाँ हमसे क्वेश्चन हो जाएगा अगर पढ़ लेंगे तो? यस सर। तो PYQ देख के ना आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हम लोग कर लेंगे और आप लोग कर लोगे, कुछ बड़ी बात नहीं होती है ये। आप लोग नोट्स पढ़ना, आप लोग कर लोगे, ठीक है? आप लोग नोट्स अच्छे से पढ़ना, कुछ बड़ी बात नहीं होती, आप लोग कर लोगे। आप लोग ये बताओ स्कूल्स में क्या चल रहा है आप लोगों के? टाइम पास। सर कल की क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? कल क्लास की रिकॉर्डिंग शायद अभी तक आई थी, मैं अपडेट कर दूंगा जैसे ही आते हैं, ठीक है? तो ये बताओ, अरे आप ना आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाओगे ना, मेरे प्लेलिस्ट पे जो पुरानी वाली रिकॉर्डिंग है उसमें मेरा प्लेलिस्ट होगा, और प्लेलिस्ट में मेरी पूरी रिकॉर्डिंग कल वाली भी मिल जाएगी आपको वहीं पे, लेकिन उस पर प्लेलिस्ट अपडेट नहीं है। क्या डीपीपी में डाउट था मेरे को? हाँ डीपीपी वाला मैं आपको बता देता हूँ, देखो तो एक बार देखो, डीपीपी वाला क्वेश्चन था ना हमारे पास, जो BF3 है वो किस टाइप का बॉन्ड बनाता है, तो आप बताओ कुछ ऐसे होगा क्या, बताना जरा, कुछ ऐसे होगा BF3? अब सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन में क्या है, 1s2 2s2 2p5, तो आप बताओ इस फ्लोरीन के पास कितने हैं, जरा बताना। कुछ ऐसे हैं, और बोरान के पास क्या है, 1s2 2s2 और 2p1, तो बोरान वाले के पास खाली है और इसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन है, तो आप बताओ क्या यह अपना इलेक्ट्रॉन इसके p वाले ऑर्बिटल में देगा क्या, क्या इसका p वाला इसके p वाले ऑर्बिटल में देगा क्या, जरा बताना, देगा? तो आप बताओ इसे किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, पी पाई बनेगा क्या, इसका पी वाला इसके पी वाले में दे रहा है तो पी पाई बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताओ। यस सर। बनेगा, तो सिंपल सी बात पता है क्या होता है, यहाँ पे बोरान है और यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, एक बार यह ऐसे बॉन्ड बनाता है, सॉरी एक बार यह ऐसे बॉन्ड बनाता है और एक बार दूसरा वाला फ्लोरीन बॉन्ड बनाएगा और एक बार तीसरा वाला फ्लोरीन बॉन्ड बनाएगा, तो आप जरा बताना कौन सा ऑप्शन सही है उसमें से। एक एक करके सब बनाते हैं, क्या एक ही साथ तीनों बना पाएंगे, क्या एक ही साथ तीनों बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, एक एक करके बनाते हैं, तो आप जरा बताओ कौन सा ऑप्शन सही है डीपीपी का कल दूसरा क्वेश्चन, बताओ सानू भाई बताओ। अभी ओपन कर, बिल्कुल सही बोला आपने, उस पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा, क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। सर सेम मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही लिख रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर।
बिल्कुल बिल्कुल कर लोगे आप लोग, ऐसे कर लोगे क्या आप लोग? यस सर, मुझे नहीं लग रहा ज्यादा प्रॉब्लम आएगा आप लोग, आई होप कर लोगे, काफी अच्छा जा रहे हो आप लोग, ठीक है।